हेलो वीवर, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पाकिस्तान के मार्केट्स में अप्रैल के महीने में कौन कौन से स्मार्टफोन आ रहे हैं, कौन से ब्रांड के आ रहे हैं और उनकी स्पेसिफिकेशंस, प्राइस और रिलीज डेट क्या होने जा रही है। ये सब कुछ अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरुआत से लेकर एंड तक वॉच कीजिएगा। तो चलिए आप वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रियलमी 9 Pro Plus की। अगर इस स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड रिलीज डेट की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन आपको अप्रैल के मिड में पाकिस्तान की मार्केट्स में रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। बाकी अगर प्राइस और स्पेसिफिकेशंस की बात की जाए तो 6.4 इंच सुपर एमोलेड डिस्प्ले के साथ 19 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला स्मूथी डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। और इस स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसका प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का होने वाला है। 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड के साथ 2 मेगापिक्सल मैक्रो सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। इस स्मार्टफोन के साथ आप वीडियो रिकॉर्डिंग 4K रिकॉर्ड कर सकते हैं, जिसमें आपको मेन फीचर्स OIS देखने को मिल जाता है। सेल्फी कैमरा यहाँ पे आपको 16 मेगापिक्सल देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर प्रोसेसिंग की बात की जाए तो इस स्मार्टफोन में आपको 5G चिपसेट में मतलब कि मीडियाटेक डायनेस्टी 920 वाला चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि एक 5G चिपसेट है। ये स्मार्टफोन आपको पाकिस्तान की मार्केट्स में 2 वेरिएंट्स के साथ देखने को मिल जाएगा, 6GB 128GB के साथ, 8GB 256GB। अगर इस स्मार्टफोन की सिक्योरिटी फीचर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएगा, 4500 mAh बड़ी बैटरी के साथ 60W की तगड़ी फास्ट चार्जिंग भी ये स्मार्टफोन प्रोवाइड करेगा। अगर इस स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड प्राइस की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन आपको लगभग 60,000 रुपये में देखने को मिल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं सैमसंग का एक स्मार्टफोन रिलीज होने वाला है, जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A30। वैसे सैमसंग के दो और भी स्मार्टफोन एक्सपेक्टेड हैं कि ये अप्रैल के महीने में रिलीज हो जाएंगे, जो कि सैमसंग A23 और A33 है। लेकिन हमने जिसकी स्पेसिफिकेशंस आपको बतानी है, जिसकी प्राइस आपको बतानी है, वो है सैमसंग गैलेक्सी A30। यहां पे अगर इस स्मार्टफोन की कुछ मेन फीचर्स और प्राइस की बात करें तो 6.6 इंच TFT डिस्प्ले के साथ बैक साइड में प्रोटेक्शन कोरिंग गोला ग्लास 5 के साथ देखने को मिल जाएगी, और साथ में ही क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसका मेन सेंसर या प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, 5 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप सेंसर के साथ। इस स्मार्टफोन में आपको सेल्फी कैमरा 8 मेगापिक्सल को देखने को मिल जाएगा। बाकी अगर इस स्मार्टफोन की प्रोसेसिंग की बात की जाए तो यहाँ पर आपको सैमसंग का एक्जिनोस 850 वाला चिपसेट देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन आपको पाकिस्तान की मार्केट्स में 3 वेरिएंट्स के साथ रिलीज होता हुआ दिखाई देगा, 3GB 32GB 4GB 64GB 6GB 128GB के साथ। इस स्मार्टफोन में आपको फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड देखने को मिल जाएगा, 5000 mAh बड़ी बैटरी के साथ 15W की फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड करेगा। अगर इस स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड प्राइस की बात की जाए तो ये स्मार्टफोन लगभग आपको पाकिस्तान की मार्केट्स में 35,000 रुपये की प्राइस में रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। उसके बाद बात करते हैं रेडमी का एक स्मार्टफोन रिलीज होने वाला है इसी प्राइस टैग में। अगर इसकी रिलीज डेट की बात की जाए तो यह स्मार्टफोन आपको अप्रैल के सेकंड वीक में देखने को मिल जाएगा। अगर इस स्मार्टफोन की कुछ मेन फीचर्स की बात की जाए तो 6.71 इंच IPS LCD डिस्प्ले के साथ बैक साइड में डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाता है, जिसका मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के साथ, और सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल देखने को मिल जाएगी। इस स्मार्टफोन में आपको चिपसेट स्नैपड्रैगन 680 देखने को मिल जाएगा, GPU Adreno 610 के साथ। यह स्मार्टफोन आपको 2 वेरिएंट के साथ पाकिस्तान की मार्केट्स में रिलीज होता हुआ दिखाई देगा, 4GB 128GB और 4GB 64GB वाला वेरिएंट। इस स्मार्टफोन में आपको रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाएगा, 5000 mAh बड़ी बैटरी के साथ 18W की तगड़ी फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगी। अगर इस स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड प्राइस की बात की जाए तो यह स्मार्टफोन आपको लगभग 30,000 रुपये की प्राइस में देखने को मिल जाएगा। इसी बजट में आपको अप्रैल में इन्फिनिक्स का भी एक स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा, जो कि है इन्फिनिक्स हॉट 11 2022। यहां पर अगर इस स्मार्टफोन की प्राइस और स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो 6.8 इंच IPS LCD डिस्प्ले के साथ 19 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला पैनल देखने को मिल जाएगा, और इस स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में डुअल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसका मेन सेंसर या प्राइमरी सेंसर 50 मेगापिक्सल का होने वाला है, और साथ में एक 2 मेगापिक्सल सेंसर देखने को मिल जाएगा। सेल्फी कैमरा आपको 8 मेगापिक्सल देखने को मिल जाएगी। बाकी अगर इस स्मार्टफोन के चिपसेट की बात की जाए तो यहाँ पर आपको यूनिसॉक T700 देखने को मिल जाएगा। यह स्मार्टफोन आपको पाकिस्तान की मार्केट में एक ही वेरियंट में रिलीज होता हुआ दिखाई देगा, 4GB 64GB वाला रियर माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ। यह स्मार्टफोन 5000 mAh बड़ी बैटरी के साथ 18W की फास्ट चार्जिंग भी प्रोवाइड करेगा। अगर इस स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड प्राइस की बात की जाए तो यह स्मार्टफोन आपको 29,000 रुपये की प्राइस में देखने को मिल जाएगा। आखिर में अगेन एक और रियलमी के स्मार्टफोन की बात करते हैं, जो कि आपको अप्रैल के महीने में रिलीज होता हुआ दिखाई देगा। इस स्मार्टफोन का नाम है रियलमी C31। यहाँ पे अगर इस स्मार्टफोन की कुछ मेन फीचर्स और प्राइस की बात की जाए तो 6.5 इंच IPS LCD डिस्प्ले के साथ इस स्मार्टफोन में आपको बैक साइड में ट्रिपल कैमरा का सेटअप देखने को मिल जाएगा, जिसका मेन सेंसर 13 मेगापिक्सल का होने वाला है, 2 मेगापिक्सल मैक्रो, 2 मेगापिक्सल डेप्थ सेंसर के साथ।
और सेल्फी कैमरा 5 मेगापिक्सल होने वाला है। इस स्मार्टफोन में आपको चिपसेट यूनिसॉक टाइगर T612 देखने को मिल जाएगा। ये स्मार्टफोन आपको 2 वेरियंट्स में देखने को मिल जाएगा, 3GB, 32GB, 4GB, 64GB के साथ। ये स्मार्टफोन आपको सिक्योरिटी के लिए साइड माउंट एंड फिंगरप्रिंट प्रोवाइड करता है 5000mAh बड़ी बैटरी के साथ, 10W की चार्जिंग के साथ। अगर इस स्मार्टफोन की एक्सपेक्टेड प्राइस की बात की जाए तो ये लगभग आपको 25,000 रुपये की प्राइस में पाकिस्तान की मार्केट्स में देखने को मिल जाएगा। सो गाइस, आई होप कि हमारी प्राइस लिस्ट आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसी वीडियोस बनाता रहूं, मतलब कि रिलीज डेट और एक्सपेक्टेड जो प्राइस डेट होती है उन पे, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।